हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। मैं आज फिर से एक नई रेसिपी के साथ आ गई हूँ। आज मैं एक ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाने वाली हूँ जो है रावा एक टोस्ट। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत फीलिंग होता है, मतलब सुबह सुबह अगर आप ये खा लो तो बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी और बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए ये मैं कैसे बनाती हूँ देख लेते हैं। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। थैंक यू। सेमोलिना ब्रेड टोस्ट बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप सेमोलिना या सूजी। इसके साथ हम डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। पहले डाल रहे हैं ये ग्रेटेड गाजर। इसके साथ डालेंगे ये 2 हरी मिर्च जिसको ऐसे बारीक काट या ये चॉप कर लिया है। इसके साथ हम लोग डालेंगे ये धनिया पत्ता। इसके साथ प्याज, एक छोटे साइज का प्याज जिसको ऐसे चॉप कर लिया है। इसके साथ डालेंगे शिमला मिर्च, ये 2 टेबलस्पून के करीब शिमला मिर्च है। तो सबको एक साथ डाल दिया। इसके साथ ऐड करेंगे हम कुछ मसाले। इसमें है कोरिएंडर पाउडर, ये कोरिएंडर पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। इसके साथ दिया है गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। इसके साथ हम लेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसके साथ अब ऐड करेंगे सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। अभी इसमें डालेंगे हम लोग अंडे। इसके साथ 2 अंडे डालेंगे हम लोग। आप अगर आधा कप से बनाओगे तो 1 अंडे, 1 कप से बनाओगे तो 2 अंडे, ऐसे मेजरमेंट में ये बनाना है। तो मैं 2 अंडे लेती हूँ क्योंकि मैंने 1 कप सूजी लिया है, उसके साथ हमें 2 अंडे चाहिए। आप अगर 2 कप सूजी लोगे तो 4 अंडे लेना। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे 1 कप पानी, जितना सूजी उतना ही पानी। अभी हमें क्या करना है, सबको एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है इसको। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसे हमें 10 मिनट तक ढक के रख देना है। अभी हमने लिया है ब्रेड, ये मैंने लिया है होल व्हीट ब्रेड। आप चाहो तो कोई भी वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, सैंडविच ब्रेड कुछ भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसे हमें ऐसे कट कर लेना है। सारे ब्रेड को हमें ऐसे कट करना है। तो 10 मिनट बाद हम लोग मेन प्रोसेस की ओर चलेंगे। इसको फिर से अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। कंसिस्टेंसी ऐसा ही रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है। अभी एक ब्रेड लेना है, ब्रेड के ऊपर इसको ऐसे लगाना है। अच्छे से ब्रेड के ऊपर लगा देना है। अभी इसको इसमें ऐसे डाल देना है। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप इसके लिए यूज कर सकते हो। गैस का फ्लेम हमें स्लो से मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में इसको नहीं पकाना है। अभी जो ऊपर का पोर्शन है हमें इसमें भी ऐसे इसको डाल देना है। ये रिफाइंड ऑयल में ही हमें करना है, कोई मस्टर्ड ऑयल में नहीं करना है। ये एक हो गया, अभी दूसरा भी हम लोग बनाएंगे।
इसके लिए भी ऐसे करके अच्छे से हमें लगा देना है पूरे ब्रेड के चारों ओर ऐसे। इसको भी ऐसे पलट के हमें बहुत सावधानी से डालना है, हाथ जल ना जाए। अभी बाकी और थोड़ा सा लेके ब्रेड के ऊपर ऐसे डालना है। तो ऐसे करके वो ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। एक साइड हो जाने के बाद हमें इसको पलटना है। अभी इसको पलट देते हैं ऐसे। इसको भी ऐसे पलट देंगे। ये हमें शैलो फ्राई करना है, कोई डीप फ्राई इसमें नहीं करना है। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है, देखिए इसका कलर भी चेंज आ गया। अभी इसको उठा लेते हैं। गैस का फ्लेम अभी स्लो रखना है, तेल बहुत गर्म हो चुका है। अभी इस पेज में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अभी फिर से मैं ये धो बना के रखा है मैंने, इसको फिर से डाल दूँगी। ऊपर से फिर सेम प्रोसेस, अच्छे से इसको लगाना है। पूरा ब्रेड को कवर करके ये लगाना है, थोड़ा सा भी जगह छूटना नहीं चाहिए, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा खाने में। देखिए मैंने सारे टोस्ट को फ्राई कर लिया है ऐसे, और एक मैं आपको ऐसे बेक करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है ये देखिए। तो मैं इसे सर्व कर देती हूँ। इसको आप लोग टोमेटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या कोई भी ग्रीन चटनी भी आप खा सकते हैं।